आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सुबह में हमने Redmi Note 9 Pro Max का एक अनबॉक्सिंग डाला है। जी हाँ, दूसरी अनबॉक्सिंग है लॉकडाउन की। अगर आपने नहीं देखा है आप जरूर से जाके देखना। और कल मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था कि अगर ऑनर के फोन्स इंडिया में Huawei मोबाइल सर्विसेज के साथ में आते तो क्या आप परचेस करेंगे। लगभग 67,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 68% लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, और 15% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, फोन आएगा मेरे पास दोस्तों, फोन बुरा नहीं है, फोन तो अच्छा है। और वो Huawei मोबाइल सर्विस कैसे काम करती है उसके बारे में आपको थोड़े दिनों में मैं बता दूंगा। वैसे आज की टेक न्यूज़ दोस्तों बहुत जबरदस्त है, बहुत गर्मागर्म टेक न्यूज़ है। और लाइक करते रहना दोस्तों, 30,000 लाइक्स तो आजकल हम जा ही रहे, ज़रा मिस नहीं करते। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं यहां पर पोको से। पोको F2 Pro कल ग्लोबली दोस्तों लॉन्च हो गया था फाइनली, और एज एक्सपेक्टेड ये चाइना का जो Redmi K20 Pro है उसका ही रीब्रांड बन के गया है। देखिए ऑब्वियसली चाइना मार्केट से प्राइस तो वहां पर ज्यादा होगी और यूरोस में आया तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगी, लेकिन वहां पर उनके लिए उनकी मार्केट के हिसाब से प्राइस ठीक है, हमारे लिए नहीं है। फिलहाल के लिए पोको F2 Pro 6120 जो वो कन्वर्ट करूं यूरोस से तो 40,000 का मिलता है और एक A256 48,000 के आसपास आ जाता है। अभी इंडिया में दोस्तों ऑब्वियसली आपको 35,000 से 40,000 के बीच में मिलेगा, लेकिन थैंकफुली Redmi K30 Pro के नाम से आएगा, ना कि Poco F2 Pro के नाम से आएगा। और अगर 40 के ऊपर जाता है तो हमारे पास OnePlus 8 जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे लगता है ये उसी प्राइस पर आएगा, 35 से 40 के बीच में, क्योंकि उनको टिकना है इसलिए वो वैसे ही करेंगे। लेकिन बात करेंगे रीब्रांड वाले चक्कर की। आजकल ये Poco ज्यादा कर रहा है। Redmi K30 जो चाइना में गया था, इंडिया में Poco X2 रीब्रांड होकर आया। चलो एक बार किया ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, फोन अच्छा था हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब बार बार ये रीब्रांड करेगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल के लिए, क्योंकि Poco की क्लास अलग है। Poco F1 जो आया था वो ऑल टुगेदर एक नया फोन था, उसने मार्केट किल कर दिया था। अब Poco F2 उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, अगर वो इंडिया में आता और पता नहीं किसी का रीब्रांड बन के आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि फोन तो अच्छा है, लोग तो यूज करेंगे, बातें तो बहुत करेंगे, रीब्रांड है, लेकिन फोन अच्छा मिलता है तो लोग यूज करेंगे, ये मैंने देखा और मैंने नोटिस भी किया। लेकिन इससे रिगार्डिंग दोस्तों एक पोल रखते हैं। Poco जो है वो रीब्रांडिंग के अंदर घुस चुका है और इससे आपको क्या लगता है, यहां पर पोल रखता हूं, आप मुझे वोट डाल के बताइए, देखते हैं कि आपके इसके बारे में क्या कहना है। तो यहां पर दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है। इंडिया में Huawei ने आज अपने प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को लॉन्च कर दिया है, वो है FreeBuds 3। इसकी प्राइस दोस्तों एज एक्सपेक्टेड 12,990 रुपए, एप्पल के लेवल पर जा रहा है ये। लेकिन चीज वैसे काफी प्रीमियम है दोस्तों, बढ़िया से आपको डिजाइन मिलती है, क्रीन A1 वाला प्रोसेसर है जो काफी बैटरी एफिशिएंट है और बहुत ही पावरफुल है, और ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, साथ में कॉल्स के दौरान भी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया है। 20 घंटे तक आपको बैकअप मिलता है प्लेबैक का, वो चार्जिंग केस के साथ में, और आई थिंक सेल पर वो वायरलेस चार्जर भी साथ में दे रहे, जो अच्छी बात है। लेकिन इसको देख के टिम कुक ने आपको बताया क्या कहा, कि Huawei is trying to be the new Apple. Oh. रोजा यार छोड़ यार। तो यहां पर दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप इंडिया के अंदर इसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। अप्रैल 2 को ये आया था और 41 डेज हुए इसको आके, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर दिया है। मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। वैसे ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, ये आपको बता देता है कि आपके आसपास कौन इन्फेक्टेड है नहीं है, और आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके बारे में काफी सारी जानकारी देता है। और अभी तो बहुत सारी जगहों पर इसको मैंडेट भी कर दिया है, यहां तक कि जो भी ट्रेन्स की सर्विस शुरू हुई लिमिटेड उसमें भी काफी सारे लोगों को बोल दिया है कि ये मैंडेट है, आपके फोन में होना बहुत ही जरूरी है। इसको वैसे फीचर फोन में भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत जियो फोन से होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐप जो है वो काफी तरक्की कर रहा है और ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ प्राइवेसी इश्यूज आई थी, लेकिन अब उसके अलावा भी ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। वैसे क्या आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है? मेरे फोन में है लेकिन मैंने इस्तेमाल तो अभी नहीं किया, लेकिन है आपके, है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर 5G से रिगार्डिंग एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, इंडिया में इस साल हमें शायद 5G देखने को नहीं मिलेगा। हम बहुत एक्साइटेड थे, लीक रूमर्स भी आई थी कि जून या दिसंबर के आसपास हमें इंडिया में मिलेगा और जियो का ट्रायल भी शुरू होगा, लेकिन आप उस पर पानी फेर दो, ये बताया जा रहा है कि 2021 में होगा, और 21 में भी कब आएगा उस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। अब बात यह दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो इस बार जो ऑक्शन होगा उसमें भी 4G की बात करेगी, वो 5G एयरवेव्स को ऑक्शन पर नहीं डालने वाले, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत महंगा पड़ रहा है उनको। उन्होंने कहा कि
पर यूनिट जो है वो 500 करोड़ पर आ जाता है और वो उन्होंने कहा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इस पर जियो ने भी कंप्लेंट किया था। तो शायद इस बार 5G के जो एयरवेव्स है वो ऑक्शन ही नहीं होंगे। जब ऑक्शन नहीं होंगे तो बिडिंग नहीं होगा तो फिर वो ट्रायल पर नहीं जाएगा और ना ही डिप्लॉय होगा और ना हमारे हाथ में आएगा। अब हुआवे और ZTE का भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको भी शायद अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिया में 5G को डिप्लॉय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव खबर आ रही है कि इस साल हमें शायद 5G इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अगर आपको गॉसिप करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है, ऑनर X10। अब दोस्तों इसकी कुछ प्राइस यहां पर निकल कर आ गई है। जी हां, ये शायद एक इनविटेशन है या किसी शॉप में से बाहर निकला है, मुझे कुछ नहीं पता। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको चार अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे, 4128, 6128, 8128, 8256। देखिए कितना फास्ट बोला मैंने। खैर, इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी जो प्राइस वहां पर दिखाई जा रही वो है 2299 yuan। कन्वर्ट कर लो तो हो जाता है अराउंड 24,000। हालांकि फोन ठीक है, 40 मेगापिक्सल कैमरा होगा, 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी जिसका उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, और साथ में दोस्तों इसमें Kirin 820 5G वाला प्रोसेसर होगा। तो ये जो प्रोसेसर है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पिछले साल वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर को भी पीछे छोड़ दिया था इसने। लेकिन इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, 25,000 rupees, नो गूगल सर्विस, ऑनर का X10, यस नो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Redmi की तरफ से बहुत ही सरप्राइजिंग खबर आ रही है। जी हां, Redmi 9 ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। चाइना के सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ, उसके बाद एक और जगह गया था, अब दोस्तों US की FCC पर ये देखा गया है। अकॉर्डिंग टू नैशविले चैटर उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, और इस बार दोस्तों काफी सरप्राइजिंग चीज बाहर निकल कर आई है Redmi 9 की तरफ से। इसमें जो बैटरी दिखाई जा रही है वो है 4920mAh की, ये लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एक्चुअल आपको 5020mAh की इसमें बैटरी मिलेगी जो हमें Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिलती है। दूसरी चीज दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि Redmi K30 जो सीरीज है उनके जैसा आपको डिजाइन मिलेगा, शायद इस बार वो लोग डिजाइन चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आई है कि इसका जो डिस्प्ले दोस्तों उन्होंने ऐसा बताया कि 174mm मेजर कर रहा है डायगनली जैसा हम करते हैं, इसको अगर हम इंच में करें तो ये 6.8 इंच होता है। इमेजिन दोस्तों 6.8 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी Redmi 9 के अंदर, जो बहुत बड़ा है। वो Xiaomi की जो Max सीरीज आई थी ना, मेरे को उसकी याद आ गई, उसमें इतने बड़े बड़े डिस्प्ले होते थे और इसमें आ रहा है। मतलब Redmi 8 जो है आई थिंक 6.22 इंच की थी, इसमें 6.8, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो आपको बड़ा सा एकदम Redmi 9 इस बार देखने को मिल सकता है, और रूमर है कि Helio G70 या फिर G80 वाला प्रोसेसर होगा। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, इतने बड़े वो उसकी बात नहीं करो खंबे की, मैं फोन की बात करो, आप तो कुछ भी है। तो यहां पर दोस्तों N22 की तरफ से खबर आ रही है, N22 आजकल ये मेरा बिटिया हो गया तो मैं उसको N22 वा बोलता हूं। छोड़ो, N22 दोस्तों यहां पर इन्होंने फ्लैगशिप और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के N22 स्कोर्स यहां पर डाल दिए हैं ग्लोबली अप्रैल के महीने की। इससे पता चल रहा है कि भाई कौन से फोन ने लिस्ट में टॉप किया है। वैसे टॉप 10 की बात करें तो नंबर 1 पर Mi 10 Pro आता है जिसका स्कोर 5,93,000 से भी ज्यादा है। ये एवरेज होता है, वो बाय फ्लुक जो आ जाता है ना 6-6.5 लाख वो वाला नहीं काउंट करते, ये एवरेज स्कोर काउंट करते हैं। उसके बाद OnePlus 8 Pro है, क्या बात है, फिर Mi 10 आता है, चार फोन तो सैमसंग के लगातार, Asus ROG फोन 2 भी है, OnePlus 70 और 70 Pro भी है, क्या बात है। अभी मिड रेंज में देखेंगे दोस्तों Huawei Nova 7i सबसे ऊपर आता है, 3 लाख से ज्यादा स्कोर है। प्रोसेसर देख लो गौर से, Kirin 810 वाला बहुत ही पावरफुल है। और उसके अलावा Redmi Note 8 Pro, Realme 6, Realme 6 Pro, मतलब Helio G90T और 720G वगैरह के स्कोर काफी अच्छे है, और बहुत सारे और इसमें सैमसंग के और दूसरे भी फोन यहां पर है। तो ये स्कोर आया है N22 की तरफ से। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये ग्लोबली है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों TSMC की तरफ से एक खून चूसने वाली खबर आ रही है। मैं ऐसे ही कहूंगा दोस्तों, TSMC वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है उनके जो प्रोसेसर होते हैं ये उनको मैन्युफैक्चर करती है। 7nm के अलावा अब 5nm वाले प्रोसेसर आ रहे हैं। तो इसके दोस्तों जो रोड मैप है प्रोसेसर की वो यहां पर निकल कर आ गई है, लीक हुई है दोस्तों। इस बार दोस्तों Kirin 1000 और एप्पल का A14 और A14X ये जो प्रोसेसर है ये आपको 5nm पर मिलेंगे, इसके अंदर लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और अगले साल दोस्तों कौन से प्रोसेसर 5nm पर आएंगे उसकी डिटेल्स आ गई है। Kirin का 1100 वाला प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 2000, Apple का A15, Snapdragon 875 वगैरह वगैरह, इसका भी रोड मैप यहां पर आ गया। अब खून चूसने की बात कैसे आ गई, तो बता दूं Snapdragon 765G वाला प्रोसेसर हमें इंडिया में नहीं मिला है, 768G आके उसने नाक में दम कर दिया। Snapdragon 865 मुश्किल से हम यूज कर रहे हैं, 875 की अभी बातें हो रही है। Kirin 810 हाल ही में आया है, 820 के हम सपने देख रहे हैं, और ये जिसने भी लिस्ट निकाला है तो इंडिया ये अंदर रसकिला
मंडे। तो क्या दोस्तों, आज की सबसे गर्मा गर्म सबसे बड़ी खबर की बात करें, वो आ रही है Realme की तरफ से। पहले तो शुरुआत करते हैं Realme UI से। तो Realme X2 Pro का उन्होंने लॉन्ग टर्म बीटा प्रोग्राम यहां पर शुरू कर दिया है। अगर आपके पास Realme X2 Pro है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 100 लोगों को यहां पर वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और 18 मई तक आपके पास टाइम है रजिस्टर करने के लिए। जहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म बीटा का मतलब ये होता है कि अपकमिंग जो Realme UI आ रहा है एंड्रॉइड 11 पर जो बेस्ड होगा, उसमें जो जो नए फीचर्स होंगे वो आप उसमें उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो जो 100 लोगों में उनकी बात कर रहा हूं, तो इससे ये पता चल रहा है कि Realme X2 Pro शायद पहला फोन होगा जिसमें Android 11 का अपडेट सबसे पहला आएगा। तो Realme UI में अगर आपको नए फीचर्स टेस्ट करना है अप टू Android 11 तक के, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म बीटा प्रोग्राम निकाला है, तो आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे लगे आते दोस्तों Realme 25 मई को चाइना के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 प्रोडक्ट्स जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हां, उसमें से एक बताया जा रहा है कि उनका गेमिंग स्मार्टफोन होगा और बाकी के 7 अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, जिनमें आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स मिलेंगे, पावर बैंक मिलेगा, क्योंकि इस पोस्टर में कहीं ना कहीं हिंट वो लोग यहां पर दे रहे हैं। और फोन की बात करें तो इसका कोड नेम है ब्लेड रनर, और फोन के कुछ लाइव फोटो वगैरह भी निकल कर आ गए। जहां पर पीछे देखेंगे तो हालांकि डिजाइन वही सिमिलर पुराने रियलमी फोन जैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं, गौर से देखिए थोड़ा उन्होंने चेंज करा है। 3D प्रीमियम यहां पर डिजाइन दिया है, मेटल और ग्लास है, और जो कैमरे का कटआउट आप देखेंगे क्वाड कैमरा सेटअप वर्टिकल मिल रहा है, उसमें भी थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया है। साथ में इसमें दोस्तों गौर से नीचे की तरफ देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट है, लेकिन 3.5mm जैक नहीं है, पता नहीं गायब कर दी या ऊपर की तरफ दे सकते हैं। और थैंकफुली पावर बटन दिया है, इस पर कोई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इसका मतलब अंडर डिस्प्ले हो सकता है, तो आपको एक एमोलेड डिस्प्ले इसमें मिलेगी। अब ये कौन सा रियलमी का फोन है वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि गेमिंग फोन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है शायद रियलमी X3 सीरीज का कोई फोन हो या रियलमी का एक नया गेमिंग फोन, जो भी होगा ये आपको 25 में कोई पता चलेगा। 8 प्रोडक्ट दोस्तों, 1, 2, 3 जब आएगा उसके बारे में आपको जरूर से बता दूंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों सिरी एप्पल का जो वॉइस असिस्टेंट है, ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए भी बनाया गया था। 2010 में ऐसा बताया जा रहा था कि उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया था कि 2010 में जितने भी फोन आएंगे उनमें हम एंड्रॉइड के उनमें सीरी भी जो वो प्री इंस्टॉल देंगे, ऐसे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है जरूर से वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।